अस्सलाम वालेकुम आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे टमाटो की जो ब्लाइट डिजीज़ है उसके बारे में हम देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट लेट ब्लाइट इन टमाटो टमाटो में जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है उसको किस तरह हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं टमाटो ब्लाइट इन इट्स डिफरेंट फॉर्म इज़ अ डिजीज़ दैट अटैक अ प्लांट्स लीव एंड स्टेम एंड इवन फ्रूट कहते हैं कि जो टमाटो ब्लाइट है, ब्लाइट है वो डिफरेंट फॉर्म में होती है ये या तो उसके लीव्स पे भी अटैक कर सकती है स्टेम पे भी या फ्रूट पे भी जो लेट ब्लड डिजीज है इज काज बाय द फंगस फाइटॉफ्थ्रा इन्फेस्टेंस विच आल्सो इफेक्ट पोटाटो द फंगस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिश पोटाटो फिमाइन ऑफ 1845 फोर्टी फाइव क्या लेट ब्लाइट पोटाटो जो है वो जो उसका कॉयल ऑर्गनिज़म है या पैथोजन है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन काज करता है वो फाइट इन्फेस्टेंस है तो जिसकी वजह से जो है ये ये टमाटो के साथ साथ तो जो पटाटो है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है ये जो अठारह में आयरिश में टाइप पोटाटो फमायन आया था जो कि फंगल की वजह से जो इसकी जो वजह है वो है फंगस इट ओवर विंटर इन इफेक्टेड पोटैटो ट्यूबर एंड पोनियल वीड्स सच एज नाइट शेड एज द ट्यूबर एंड पोनियल सीड्स जर्मिनेट ड्यूरिंग द न्यू ग्रोइंग सीज़न द फंगस स्प्रेड टू सराउंडिंग प्लांट्स। इसमें ये है कि जब वो इन्फेक्टेड पटाटो ट्यूबर्स है ना वो ओवर विंटर करते हैं तो उसकी वजह से या प्रीनियल जो वीड्स होती हैं जैसा कि नाइट शेड वगैरह वो क्या करते हैं कि जो ट्यूबर्स है या प्रीनियल सीड्स हैं ना वो जर्मिनेट करते हैं जब वो न्यू ग्रोइंग सीज़न आता है दैन वो फंगस जो है ना वो स्प्रेड कर जाता है जो उसके सराउंडिंग प्लान्ट वगैरह होते हैं नाउ वी विल सी वट डज लेट ब्लाई लुक लाइक अब हम देखते हैं कि जो लेट ब्लाइट है उसके सिम्टम्स क्या हैं वो किस तरह के नज़र आते हैं इट इफेक्ट बूथ लीव एंड फ्रूट कहता है कि ये जो लेट ब्लाइट है इसके जो सिम्टम्स हैं लीवस के ऊपर भी होते हैं और फ्रूट के ऊपर भी लीव्स डिवेल ब्लू ग्रे स्पॉट विच टर्न ब्राउन कहता है कि लीवस के ऊपर ब्लू ग्रे से स्पॉट से बन जाते हैं जो कि बाद में ब्राउन कलर के हो जाते हैं लीज एवेंशली ड्रॉप फिर वो पत्ते जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं फ्रूट डिवेल्प इेगुलर ब्राउन ग्रेजी स्पॉट्स विच कैन इफेक्ट द इंटायर टोमेटो अगर बात करें हम जो फ्रूट के सिम्टम्स हैं उसमें क्या कहता है कि जो इरेगुलर ब्राउन से ग्रेजी स्पॉट्स बन जाते हैं जिसकी वजह जो फिर बाद में जो इंटायर टोमेटो है ना उसमें यानी कि इफेक्ट करता है स्पॉट ऑन बूथ लीवस एंड फ्रूट में डिवेल्प अ वाइट कॉटनी रिंग ऑफ मॉल्ड यानी कि अगर जो है ना लीव्स या फ्रूट के ऊपर जो कुछ स्पोर्ट्स बनते हैं ना वो कॉटन रिंग ऑफ मोल्ड जो है ना कॉटनी रिंग की जो है ना मोल टाइप होते हैं लेट ब्लाइट कैन ओवरटेक अ एंटायर प्लांट्स क्विकली कहता है कि जो जब विदन अ वीक्स में वो क्या करता है लेट ब्लाइट ना पूरे प्लांट्स को इफेक्ट कर देता है नाउ वी विल सी व्हेन डज लेट ब्लाइट इफेक्ट प्लांट अब हम देखते हैं कि किस तरह कब जो है ना लेट ब्लाइट प्लांट को इफेक्ट करती है इसकी एपिड क्या हो है और फॉर uh, एग्जांपल इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर क्या है कहता है कि इट ऑफन स्ट्राइक इन कूल वेट वेदर इसके लिए जो है ना वेट वेदर और कूल cool का होना ज़रूरी है हाउ डू यू कंट्रोल एंड ट्रीट द ब्लाइट हाँ वो हम देखते हैं कि किस तरह हम उसको ब्लाइट कर सकते हैं ब्लाइट uh, को कंट्रोल कर सकते हैं इसके डिफरेंट वे हैं जिसमें कहता है कि द बेस्ट कंट्रोल मेयर फॉर टमाटो ब्लाइट इज़ प्रिवेंशन बेस्ट कंट्रोल मैयर्स फॉर टमाटो ब्लाइट इज प्रिवेंशन है इसमें है कि हम जब कंट्रोल है ना ब्लाइट का उसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रीवेंशनज मेयर करके रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्ट लीव्स जो हम इन्फेक्ट लीव्स वगैरह हैं उनको या तो हमने रिमूव कर देना है या कि उनको डिस्ट्रॉय कर देना है बी श्योर टू वॉश योर हैंड आफ्टर वर्ड्स उसके बाद ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स कहते हैं कि ट्रीट ऑर्गेनिकली विद कॉपर स्प्रे विच यू कैन परचेज़ ऑनलाइन एट द हार्डवेयर स्टोर और होम इम्प्रूवमेंट सेंटर फॉलो लेबल डिस डायरेक्शन कहता कि जो कॉपर बेस्ड स्प्रे है हम वो किसी भी ऑनलाइन स्टोर से या किसी भी हार्डवेयर स्टोर वगैरह से हम इसको ख़रीद सकते हैं और उसके जो हम हमने जो उसको यूज़ करना है उसके ऊपर लेबल दिया होता है उसके मुताबिक हमने यूज़ करना है यू कैन अप्लाई अंटल द लीवज आर ड्रिपिंग वंस अ वीक एंड आफ्टर ईच रेन और यू कैन ट्रीट इट ऑर्गेनिकली विद द बायो लाइक सरीनेट फॉलो लेबल इंस्ट्रक्शन जो हमने बायो भी यूज़ करनी है तो उसको भी हमने लेबल के मुताबिक जो इंस्ट्रक्शन दी होंगी उसके मुताबिक यूज़ करना है अगर हम बात करें केमिकली फंजीसाइट की तो सम गार्डनर्स प्रेफर कैमिकल फनजीसाइट द बेस्ट ऑफ विच फॉर टमाटो इज़ क्लोरोल यानी कि ये सोल्ड एज अ फंगोनेल डेकोनेल और अंडर अंदर ब्रांड नेम्स कहता है कि ये कुछ केमिकल ये केमिकल है जो कि मोस्टली टमेटो के जो गार्डन है वहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसको डिफरेंट नाम से जो है ब्रांड के नेम से इसको सेल पर किया जाता है सबसे लास्ट में बात करते हैं कि हाउ डू यू प्रिवेंट द ब्लाइट हम ब्लाइट को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है त, रोटेट क्रॉप्स क्योंकि हम क्रॉप की रोटेशन करके कर सकते हैं टोमेटो ब्लाइट यानी कि लेट ब्लाइट जो फंगस है कैन रिमेन इन द दॉयल फॉर सेवरल ईयर्स क्योंकि वो आ, फंगस है वो काफ़ी साल तक सॉयल में रहती है बी स्पेशली केयरफुल नॉट टू बी प्लान्टड टोमेटो इन एन एरिया वेयर पटाटो वर कल्टिवेट द ईयर बिफोर अगर एक साल आपने पटाटो को आ, उस एरिया में किसी में ग्रो किया है तो उसी एरिए में टमाटो को जो है ग्रो नहीं करना चाहिए अगर हम वो उसको करेंगे तो उसकी वजह से जो है लेट ब्लाइट के, क्योंकि पटाटो पे लेट ब्लाइट आती है तो उसकी वजह से उसके जो स्पोर्स हैं वो ओवर विंटर कर जाएंगे जब ग्रोइंग सीजन आएगा वो दोबारा से वो उसको अटैक कर देंगे प्लांट दीज रेजिस्टेंस हाइब्रिड टू योर प्लांट चांस ऑफ बींग्रेड ब्राइड हमने प्लांट इज रेजिस्टेंट हाइब्रिड ब्राइड यूज़ करनी है प्लान टमाटो इन द रस बैड टू इम्प्रूव ड्रेनेज एंड प्रिवेंट डिजीज फ्राम स्प्रेडिंग कहता है कि जमाटो को हमने लगाना है वो राइस बेड में होने चाहिए ताकि जो ड्रेनेज uh, वगैरह है वो इम्प्रूव हो सके और जो डिजीज़ है ना वो स्प्रेडिंग से बच सके गिव टमाटो प्लान एक्स्ट्रा स्पेस यानी कि मोर देन ट्वेंटी फोर इंचज टू लेट एयर टू मूव अमंग लीवस एंड कीप दैम ड्राई कहता है कि उसमें जो टमाटो प्लांट्स है ना उसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसमें से हवा जो जो ईयर है वो ईज़िली गुजर सके वाटर द सॉयल नॉट द प्लांट्स टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग अवॉइड अदर ओवर वेटरिंग मल्च विद ब्लैक प्लास्टिक और लैंडस्केप फैब्रिक टू प्रिवेंट फंगस स्प्रेडिंग अप टू ऑन टू लीव्स कहता है कि मल्च ब्लैक प्लास्टिक या लैंडस्केप फैब्रिक यूज़ करके हम पर फंगस को प्रिवेंट कर सकते हैं स्टीक टोमेटो प्लान्ट फॉर बैटर सर्कुलेशन रिमूव एंड डिस्ट्रॉ इफेक्ट प्लान एट द एंड ऑफ द सीज़न सीजन के लास्ट में हमने जो इफेक्टेड प्लांट है उसको जो है ना रिमूव कर देना है अगले आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक और शेयर करना मत बोले शुक्रिया